हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ PRHD। सो दोस्तों, पतंजलि एक ऐसा इंडियन ब्रांड है जिसमें आपको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पतंजलि की तरफ से आने वाला ये आस्था अगरबत्ती का, जो मैंने एक लोकल स्टोर से परचेस किया है। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम वहां पर आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स लाते रहते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के काफ़ी अट्रैक्टिंग प्लास्टिक पैकेजिंग में ये हमें प्रोवाइड हुआ है। पतंजलि आस्था अगरबत्ती की ब्रांडिंग ऊपर के साइड में की गई है, साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है इसका फ्रेग्रेंस का नाम। मैंने ये परचेस किया है रोज़ फ्रेग्रेंस। ये काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस में अवेलेबल है, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी परचेस कर सकते हैं। पीछे की साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है पतंजलि आस्था अगरबत्ती उत्तम, शांतिदायक और सुगंधित। रोज की ब्रांडिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर डायरेक्शन फॉर यूज दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पतंजलि आस्था पूजा प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड एम्ड एट क्रिएटिंग ए डिवाइन एटमोसफेयर। इसका मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है वो बिल्कुल हर्बल है एंड कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज नहीं किया गया है। अच्छे इंग्रेडिएंट से बने हुए अगरबत्ती का फायदा ये है कि जब आप इसे जलाते हैं तो इससे जो स्मोक निकलेगा वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करता। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये पतंजलि की तरफ से। साथ में यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप इनके कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे की साइड में यहाँ पर नेट वेट दिया हुआ है, इसका नेट वेट है 150 ग्राम और इसका MRP है 50 रुपीज़। ये काफ़ी सारे नेट वेट्स में अवेलेबल है, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग की हुई है। इस अगरबत्ती का भी मार्केट में एक बहुत ही बड़ा कंपटीटर है जिसका नाम है शुभ लाभ, जो इसी प्राइस रेंज में मिल जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फ्रेग्रेंस अवेलेबल है जो उस अगरबत्ती का एक प्लस पॉइंट है। इसमें आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस मिलता है, लेकिन शुभ लाभ में आपको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फ्रेग्रेंस मिल जाते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं इस अगरबत्ती को एंड देखते हैं कि हमें कितना अगरबत्ती अंदर के साइड में मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसे ओपन किया आप देख सकते हैं इतनी क्वांटिटी हमें अंदर के साइड में मिलती है। एंड ओपन करने के बाद एक चीज़ जो आप महसूस कीजिएगा वो है इसका फ्रेग्रेंस। बहुत ही हार्ड रोज फ्रेग्रेंस आ रहा है जो बहुत ही ऑसम भी है। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का अगरबत्ती हमें अंदर के साइड में मिलता है। नॉर्मल ही है, जैसा आपको अगरबत्ती और मिलेगा मार्केट में उसी तरह का ये अगरबत्ती है, लेकिन इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही हार्ड है। लेकिन आपको अलग अलग वेराइटीज इसमें नहीं मिलती, इसमें सिर्फ एक ही फ्रेग्रेंस मिलता है जो फ्रेग्रेंस आप परचेस करते हैं। तो अगर आपको इसी प्राइस रेंज में एक अच्छा अगरबत्ती चाहिए तो आप शुभ लाभ परचेस कर सकते हैं। उसका भी बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। साथ में ये भी बहुत ही अच्छा है, इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्वांटिटी कम है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको एक अच्छा फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके प्रोडक्ट है। जब आप इसे जलाइएगा तो आपको एक बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस आएगा जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों, यही था इस अगरबत्ती का रिव्यू, और इसके बारे में बताने के लिए कुछ खास है नहीं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे वीडियोस के सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।